नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। साल 2014 में मोदी द्वारा भारत की सत्ता संभालते ही एक नए भारत का उदय हो चुका था, मगर कुछ देशों या उनके यहां मौजूद दलों को शायद यह बात समझ में नहीं आई थी। खासतौर से ब्रिटेन की मुख्य लेबर पार्टी पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बन गई थी। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो इस दल ने जमकर पाकिस्तान का साथ दिया। लेबर पार्टी के पूर्व प्रमुख जेरेमी कार्बिन ने तो सितंबर 2019 में पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में कश्मीर मसले पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की जरूरत का प्रस्ताव तक पारित किया था। पर अब लेबर पार्टी की एकड़ी न केवल निकल गई है, बल्कि वह मोदी का गुणगान बोरिस जॉनसन से भी ज्यादा कर रही है। लेबर पार्टी का नए प्रमुख कीर स्टारमर ने मोदी को महान नेता बताया है। साथ ही कहा है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें किसी तीसरे पक्ष को दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। यह खबर तब आ रही है जब दुनिया कोरोना वायरस से बुरी तरह कराह रही है। कीर स्टारमर का यह रुख लेबर पार्टी के पुराने रुख से अलग है। खास बात यह है कि इसे भारत के लिए बड़ी जीत और पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खिसकना ही माना जा रहा है। लेबर पार्टी के दबाव की वजह से ही पाकिस्तान को ब्रिटेन से आर्थिक सहायता मिलती रही है। पाकिस्तान की दृष्टि में ब्रिटेन उनका दूसरा घर है, जहां विपक्षी लेबर पार्टी उनकी सबसे बड़ी रहनुमा है। लेबर पार्टी को घुटनों पर लाने का करिश्मा पीएम मोदी की लोकप्रियता और 15 लाख भारतीयों को जाता है, जिन्होंने ब्रिटेन में अपनी एकजुटता को साबित किया है। पिछले साल लेबर पार्टी ने भारत को लेकर विपरीत नजरिया दिखाया था, उसका खामियाजा इन्हीं भारतीयों ने चुनाव में उसे धूल चटाकर दिलाया है। किसी वक्त लेबर पार्टी की ओर झुकाव रखने वाले भारतीय मतदाता उससे दूर चले गए, उसके बाद लेबर पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब कीर स्टारमर भारत के साथ अपने संबंध सुधार कर भारतीय समुदाय में पार्टी का आधार मजबूत करना चाहते हैं। कीर ने कहा है कि वह मोदी के साथ मिलकर कार्य करने को तैयार हैं। वह जल्दी ही ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त रुचि घनश्याम से भी मुलाकात करने वाले हैं। यानी लेबर पार्टी को समझ में आ गया है कि आज का भारत 2010 वाला भारत नहीं है, पर मामला यहां तक नहीं है। लेबर पार्टी के रुख में आया अचानक बदलाव से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। लेबर पार्टी के भरोसे ही मुल्ला मुल्क ब्रिटेन में उक्के गुड़गुड़ाता रहा है। पिछले साल यहां की सड़कों पर जितने तहमतबाज का दया नृत्य कर रहे थे, वह सब नौटंकी लेबर पार्टी की बदौलत ही हो सकी थी। खासतौर से लंदन में प्रवासी पाकिस्तानी मुल्ला टोपी की सिलाई ज्यादा कराते हैं, इसलिए यहां पर इन्होंने वही हरकतें की जिसके लिए यह कौम पूरी दुनिया में बदनाम है। मजे की बात यह है कि कीर स्टारमर ने अब मुल्लाओं की इस नौटंकी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ब्रिटेन में रहने वाले समुदाय को बांटने वाले मुद्दों को उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त लेबर पार्टी भारत के खिलाफ जमकर पाकिस्तान की पीठ थपथपा रही थी, पीएम मोदी ने परोक्ष रूप से बोरिस जॉनसन का समर्थन किया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि बोरिस जॉनसन भारी बहुमत से दोबारा सत्ता में आ गई। जॉनसन ने अपने पूर्व कार्यकाल में भी भारत का समर्थन किया था, इस बार तो वह पीएम मोदी के नजदीकी दोस्तों में से एक हैं। यह इत्तेफाकी है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, उसके पीछे लेबर पार्टी की खास भूमिका रही थी। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटेन में यह पार्टी वजूद में आई थी। इस पार्टी की बुनियाद कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से प्रेरित होकर समाजवादी सिद्धांतों पर रखी गई थी। 1924 में पहली बार लेबर पार्टी सरकार में आई थी। हालांकि भारत की आजादी में लेबर पार्टी का की भूमिका तो थी, मगर वह भारत की तेजी कभी नहीं रही है। उसने लगभग हर मुद्दों पर पाकिस्तान का समर्थन किया है, यहां तक पाकिस्तान चालाकी से उसके आगे झूठ परोसता रहा और लेबर पार्टी चाटती रही। पर यह कार्ल मार्क्स का दौर नहीं है, ना ही इस दुनिया में पाकिस्तान की हैसियत है। इस वक्त भारत का डंका बज रहा है। कोरोना काल में भी मोदी के फैसलों की दुनिया लोहा मान चुकी है। ऐसे में दुनिया के किसी भी मुल्क या विपक्षी दल के लिए भारतीय मोदी विरोध घाटे का सौदा हो सकता है। कीर स्टारमर इस सच्चाई को समझ गए हैं। लेबर पार्टी की कमान संभालते ही उन्होंने सबसे पहले पार्टी की पुरानी गलती को सुधारने का काम किया। उनके इस दृष्टिकोण से ब्रिटेन में जहां भारत की खिलाफत करने वाला कोई नहीं रहेगा, वहीं पाकिस्तान के गधैया नृत्य के लिए दर्शकों का भी टोटा पड़ जाएगा। बड़ी बात यह होगी कि इसके बाद ब्रिटेन और भारत के रिश्ते नए मुकाम पर हो जाएंगे, जिसका फायदा इन दोनों देशों को जरूर मिलेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।